हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्माइल विद पल्लवी। तो आज मैं आपके साथ एक बहुत ही अच्छे से इंटरेस्टिंग सा वीडियो लेकर आई हूँ, जो कि हमारा एक क्लोथिंग हॉल है। तो क्या होता है कि अभी फेस्टिवल सीज़न चल रहा था और अभी फेस्टिवल नवरात्रि आ रही है, आपको पता है होली गई है जस्ट अभी और नवरात्रि आ रही है। तो कुछ चीज़ों की मैंने शॉपिंग की थी क्लोथ्स की, तो मैंने सोचा कि आपको ये शॉपिंग जो है शेयर करती हूँ कि मैंने किस तरीके से ये शॉपिंग की है और कहाँ से परचेज़ किया है। तो इससे एक आपको आइडिया मिल जाए कि आपको कहाँ से परचेज़ करना चाहिए और इसके क्या प्राइस रेंज हो सकते हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं होता है कि हम हमेशा ऑनलाइन या हमेशा ऑफलाइन ही परचेस करें। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हमें ऑनलाइन बहुत अच्छी मिल जाती है, रीजनेबल प्राइस पे मिल जाती है, और कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हमें ऑफलाइन मिलती है वो भी बहुत ही रीजनेबल प्राइस पे मिल जाती है। तो आपको एक मिक्सअप सा एक मेरा क्लॉथिंग हॉल मिलेगा जिसमें मैंने कुछ क्लॉथ्स परचेस किए हैं, अराउंड 4-5 क्लॉथ्स है। तो आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी और आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि आप किस तरीके से परचेस कर सकते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। बट स्टार्ट करने से पहले आपको क्या करना है, आपको करना है, अगर आपने अभी तक चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और वहाँ पर छोटा सा बेल आइकन होगा उसको प्रेस करना होगा, और वहाँ पर एक लाइक का बटन होगा वो प्रेस करना होगा अगर आपको एक लाइक अच्छा लगता है, ये वीडियो अच्छा लगता है। तो आई एम श्योर आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि शॉपिंग हॉल या क्लोथिंग हॉल किसको नहीं अच्छा लगता। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं ऐसे मैं कौन सी चीज़ों को की बातें कर रही हूँ जो कि बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही अच्छी होने वाली है। तो गाइस चलिए बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपसे बात करने वाली हूँ ये जैकेट की, जो कि लेदर की है, और ये मैंने परचेज़ किया था स्टोर से। तो ये जो जैकेट है वो पापा गेमा की लंदन की है, आप देख सकते इस तरीके से यहाँ पर दिया हुआ है पापा गेमा लंदन। और ये जेंट्स जैकेट है जो कि लेदर की और बहुत अच्छी है, बहुत गर्म करती है। तो अभी तो समर जस्ट जा ही रहा है और मैंने ये परचेज़ किया था अराउंड 2 मंथ्स पहले, तो मैंने सोचा कि आपके साथ एक इसका रिव्यू शेयर करती हूँ, क्योंकि पहनने के बाद ही पता चलता है कि कौन सी चीज़ किस तरीके की है। इवन मतलब जो आपके विंटर वियर होते हैं वो पहनने के बाद ही आपको उसकी पता चलती है कि वो कितना यूज़फुल है हमारे लिए, कितना नहीं है। तो ये जो है ये बहुत ही गर्म करता है जैकेट, और ये मैंने अपने हस्बैंड के लिए ख़रीदा था। ये इसकी प्राइस थी 2500 के आसपास, और आप देख सकते हैं इस तरीके से इसके स्लीव्स में दिया हुआ है, ये बटन दी हुई है, इस तरीके से आप इसको बटन लगा सकते हैं, और इस तरीके से यहाँ पे ये जो बटन है इस तरीके से दी हुई है, और ये ज़िप है, ज़िप बहुत ही अच्छी क्वालिटी की आप देख सकते हैं, और इसको ये पूरा ओपन होएगा ऐसे करके, और नीचे इस तरीके से लॉक किया गया है। आप इसको ओपन कर सकते हैं, बट ज़रूरत पड़े तो आप इसको ओपन करके जो है पहन सकते हैं। और बैक साइड से ये पूरा इस तरीके से दिया हुआ है, मतलब प्लेन है बैक साइड से, इस साइड से, और आप देख सकते हैं शोल्डर पर बहुत ही अच्छा काम है, ये देख सकते हैं आप। ये बहुत ही कम जैकेट्स में देखने को मिलता है और ये बहुत ही जो है अच्छा लग रहा है देखने में, बहुत यूनिक लग रहा है इस टाइप से। और यहाँ पे एक रेबल लॉस का है, रेबल की जैकेट है ये, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये इस टाइप से रेबल की जैकेट है, जो कि बहुत ही ज़्यादा गर्म करती है, बहुत ही अच्छी। इसको पहनने के बाद आपको अंदर ऐसा कुछ वार्म क्लॉथ पहनने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और ये बहुत ही अच्छा जो है फैब्रिक बहुत अच्छा है, बहुत गर्म करता है, और पहनने के बाद इसको आप कितनी भी ठंड हो आप इस जैकेट को पहन लेंगे। अगर आप अपने हस्बैंड के लिए या अपने ब्रदर के लिए या अपने फ्रेंड के लिए खरीदना चाहते हैं तो आप इसको परचेज़ कर सकते हैं। और इसको मैंने स्टोर से परचेज़ किया था, तो उस एक्चुअली इसका प्राइस है 5000, बट उस टाइम पर 50% डिस्काउंट मिल रहा था, तो इसलिए ये जैकेट मुझे 2500 में मिल गई। मेरी ये साड़ी जो कि सिल्क की है, ये टसल सिल्क है, और इसकी मैं फ़ोटो दे दूँगी साइड में, आप देख लेना, टसल सिल्क इसको कहते हैं। और इस टाइप से इसका इसका बॉर्डर है, ये गोल्डन कलर का बॉर्डर है, आप देख सकते हैं इस टाइप से ये बॉर्डर है, प्लेन बॉर्डर है, और ये मैंने होली में पहनी थी, और ये पूरी प्लेन है इस टाइप से, मतलब कि इसी यही आपका पूरी साड़ी का यही जो है प्रिंट है। और ये टसल सिल्क, और ये सिल्क के नाम पे ऐसा नहीं है कि बहुत ही आप पहन नहीं पा रहे, अगर आप बिगनर हैं या आपको बहुत ही प्रॉपर तरीके से साड़ी नहीं पहनने आती है तो ये साड़ी बहुत अच्छी है, आप इसको परचेज़ कर सकते हैं। मैंने इसको परचेज़ किया था फ्लिपकार्ट से, तो आपको मैं लिंक दे दूँगी और एक फ़ोटो लगा दूँगी, आप देख सकते हैं फ्लिपकार्ट से इसको परचेज़ कर सकते हैं। इसके साथ ही इसका ब्लाउज़ भी है, सेम इसका ब्लाउज़ भी ऐसे ही आता है, इसमें बॉर्डर दिया हुआ है ये गोल्डन कलर का, और सेम ब्लाउज़ इस टाइप से जो है आपका रहेगा। मतलब मैंने बहुत ही सिंपल ही स्टिच कराया था, तो आप इस तरीके से इसका ब्लाउज़ भी सेम ही तरीके का रहेगा।
नेक्स्ट आता है जो ये भी सिल्क का कुर्ता है जो मैंने अपने हस्बैंड के लिए परचेज़ किया था। ये भी जो है एक्चुअली सॉरी ये सिल्क नहीं, ये खादी है। खादी जो कि गर्मी में बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहता है। आप अगर पहन लेंगे खादी तो मुझे लगता है कुछ लोगों को पता होगा कि खादी के कपड़े गर्मी में बहुत ज़्यादा अच्छे रहते हैं, जिनको बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, जिनको बहुत ज़्यादा स्वेटिंग की प्रॉब्लम होती है। तो ये बहुत ही एयरी है, बहुत ही ज़्यादा यू नो आप देख सकते हैं इसके कपड़े में, और ये कलर कॉम्बिनेशन तो ऑसम है। तो अगर आपके घर में कोई छोटे मोटे यू नो फंक्शन पड़ रहा है, या फिर आपके घर में जैसे कि होली है, इस ट्रेडिशनल कोई फेस्टिवल है, तो ऑब्वियसली ट्रेडिशनल फेस्टिवल ट्रेडिशनल ही पहनते हैं लोग। तो इस तरीके से आप जो है पहन सकते हैं। और ये देखिए फुल स्लीव्स है, स्लीव्स में ये वाइट कलर का दिया हुआ है इस तरीके से, और यहाँ पे ये बटन है इस टाइप से, ये बटन है, और ये है सोनिक का है, सोनिक फोरमैन का है, और ये खादी का है। और यहाँ पे इस तरीके एक तरीके से ये कुर्ता है, ट्रेडिशनल कुर्ता है। यहाँ पे पॉकेट दी हुई है अच्छी खासी, इस तरीके से ये पॉकेट है, और जो है ये नीचे इस टाइप से है। तो इसके साथ ये पजामा है, ये भी जो है खादी का पजामा है। आई थिंक ये खादी का है कि मुझे इसका फैब्रिक नहीं पता चल रहा है, बट हाँ ये भी एक पजामा बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है पहनने के बाद, क्योंकि ये फेस्टिवल में पहना हुआ था मेरे हस्बैंड ने, तो मुझे लगा कि मुझे आपके साथ इसका रिव्यू शेयर करना चाहिए। अगर कोई रीजनेबल प्राइस में एक सिंपल सा ट्रेडिशनल वेयर खरीदना चाह रहा है तो ये बेस्ट है। लहंगे की बारी, जो कि मैंने अभी तक स्टिच नहीं कराया है, और ये लहंगा ये मेरे लिए सरप्राइज था मेरे हस्बैंड की तरफ से। तो ये लहंगा बहुत ही अच्छा है लगा मुझे तो आप देख सकते हैं इस तरीके से क्रीम कलर का है, और ये इसकी इसके जो मतलब ऊपर कमर में है ये है, अभी स्टिच नहीं कराया, ये सेमी स्टिच है, और इसके नीचे का ये बॉर्डर दिया हुआ है, और ये बॉर्डर में जरी का काम है जो कि बहुत ही प्यारा लग रहा है, और इस टाइप से नीचे में आपको लाइनिंग देखने को मिलेगी इस टाइप से पूरा बॉर्डर दिया हुआ है इस टाइप से। तो इसका भी इसकी भी मैं फ़ोटो दे दूंगी, आप देख लीजिएगा। और इसमें ये जो स्लीव्स ये जो ब्लाउज़ है ये रेड कलर का ब्लाउज़ है, प्लेन सिल्क का ब्लाउज़ है, और इसमें एक एम्ब्रॉयडरी दी हुई है इस टाइप से, ये नेक पे एम्ब्रॉयडरी है, और ये नीचे एम्ब्रॉयडरी दी हुई है, और बाकी प्लेन कपड़ा है, और इसके साथ ये 3/4 स्लीव्स का की ब्लाउज का है, तो इसके लिए ये नेट दी हुई है कि आप अपना 3/4 स्लीव्स जो है स्टिच करा सकते हैं। हर एक चीज़ के लिए बहुत ही अच्छे तरीके से इन्होंने जो है कट करके दिया है कि आप स्टिच करा सकते हैं। और इसके साथ एक ये दुपट्टा है जो कि बहुत ही लाइट वेट है, और पूरी चुन्नी में ऐसे जो है लगा हुआ है, पूरी चुन्नी में ऐसे लेस लगी हुई है इस तरीके से, और पूरे में और बहुत ही लाइट वेट है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जो है आपको बहुत ही हैवी लग रहा हो। वाओ, मुझे तो ये लहंगा बहुत पसंद है, बस मैं इसको स्टिच कराऊंगी और पहनूंगी। लहंगा बहुत ही प्यारा है, बहुत ही सुंदर है। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। ये थे छोटा सा वीडियो मेरा जिसमें मैंने आपको एक क्लोथिंग हॉल शेयर किया, और आपको अच्छे अच्छे ऐसे ऐसे वीडियोस देखते रहेंगे, मिलते रहेंगे। तो अगर आपने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको सारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे, और आप वीडियोज़ मेरा दिन पे दिन डेली एक एक वीडियो देखते रहें।